असलम गाइज एंड वेलकम टू अर न्यू वीलॉग ये वीलाग काफ़ी छोटा है क्योंकि ये सारा टाइम लाप्स मैंने बनाया था और दिस वीलाग इज़ ऑल अबाउट कि हमने जी की जो सरप्राइज़ बर्थडे सेलिब्रेशन थी वो हमने किस तरीके से प्लान की ये मेरे साथ बच्चे हैं और uh, एक हाउस uh, हेल्प है यहाँ पर हमने बच्चों के कमरे के अंदर बलून और uh, आर्ट बना के जो है थोड़ी बहुत डेकोरेशन की थी मिड नाइट सरप्राइज़ के लिए और uh, और आपको पता है कि जब बच्चों के साथ बलून फुलाते हैं तो बच्चे माशाल्लाह से आधे बलून्स फुलते हैं और आधे बलूस जो होते हैं वो खेल खेल के वो फाड़ देते हैं एनी हाउ हमने इस तरीके से लाइटनिंग सारा सेटअप लगाया और मजे की बात ये थी कि जब सेटअप लग गया तो उस वक्त आई थिंक नाइन थर्टी हो रहे थे और नेक्स्ट या की पेरेंट टीचर मीटिंग थी तो बच्चे जो है इस वजह से जल्दी सो गए थे तो फिर मिड नाइट सरप्राइज़ पे मैंने जो है वो जी को सिर्फ विश किया था लाइक हमने फिर के कटिंग नहीं की थी क्योंकि बच्चे सो गए थे और उन्होंने बड़े प्यार से पापा के लिए कार्ड्स और ये सारे कैनवस पेंटिंग वगैरह की थी सो आई वॉन्ट इट कि जिसने ये सब कुछ किया है वही उनको सरप्राइज थे और यहाँ पे अम, जो है वो मैंने जी को बोला कि आप आ जाओ और केक मैंने ला के रखा जस्ट फॉर पिक्चर्स बट काटा नहीं था अपने के सो ही डिड नॉट नो बिकॉज ही वॉज वॉचिंग मूवी इन दी अदर रूम सो हेयर ही वॉज़ वेरी सरप्राइज के इतना सब कुछ कैसे कर लिया अच्छा नेक्स्ट से जो जो था वो मैंने उनके लिए मैंने और मेरी फैमिली ने मिलकर उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया था तो सरप्राइज़ के लिए मैंने काफ़ी ऑप्शन देखे लाइक like वहाँ पे वो हमें इट ऑज अ बूफे डिनर सो वो 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 वहाँ पर हमें बलूनस का सेटअप और सारा कुछ जो है वो इतना इजीली करने नहीं दे रहे थे वो कह रहे थे अगर आपका अपना वेंडर है तो आप कर लें मेरे पास वेंडर अवेलेबल नहीं था तो फिर मैंने कुछ ऑप्शंस चेक किए जो कि मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगे फॉर जस्ट अ वोबो बलून लाइक एवरेज सबकी कॉस्ट होती है वो सिक्स थाउजेंड सेवन थाउजेंड ये कॉस्टिंग आ रही थी और फिर दराज पे चेक किया तो दराज पे देवर चीपर बट दराज से ऑर्डर करने का मेरे पास टाइम नहीं था तो ये सारा कुछ मैंने एक शॉप है जमज़मा पे पार्टी बलूनस के नाम से वहाँ पर वहाँ से जाके मैंने ये सामान लिया एंड टू योर सरप्राइज़ एक बलून मुझे सिर्फ टू का पड़ा अच्छा वोवो बलून्स को इन्फ्लेट करना थोड़ा सा मुश्किल है फॉर बिग नर्स क्योंकि मेरा भी पहली दफ़ा था तो आई बॉट फाइव बलून जिसमें से एक सिर्फ फटा और जो चार थे वो ईज़िली जो है बन गए थे ईज़िली और उसके बाद फिर हमने उनको उनके अंदर बलून किस तरीके से डालना था स्ट्रेच करना ये सारा मैंने उस दिन सीखा और अलहमदिल्ला सारा कुछ बड़ा अच्छा सा बन गया था और ये आप देख सकते हैं अच्छा ये जिस पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है इसका मैंने अलग से वहाँ से स्टिकर लिया था और फिर वो बाद में मैंने इसके ऊपर लगा दिया था जो सबसे टॉप पर बलून था बाकी जो था लाइट्स भी मुझे वहाँ से मिल गई थी तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था डैट वॉज़ वेरी गुड और ख़ुद से जब आप कोई काम अपने प्यारों के लिए करते हैं तो वो तो उसकी आपको तो ज़्यादा खुशी होती है सो आई वॉज सुपर एक्साइटेड फॉर दिस और जी को तो भी बहुत अच्छा लगा था मोटू मेनशन दट ये सारे फाइव बलून एल ईडी लाइट्स और ये स्टिकर ये सब मिला के मुझे स्टैंड के साथ माई बिल बॉस ओनली ट्वेंटी टू हंड्रेड बराज एक बलून की कॉस्ट अगर आप बना बनाया लेते हैं तो विथ्स लिटिल डेकोरेशन इट्स अराउंड सिक्स थाउजेंड रुपीज़